महेंद्रगढ़ के सरकारी अस्पताल का सीएमओ रमेश चंद्र आर्य ने किया औचक निरीक्षण। सीएमओ के अचानक पहुंचने पर सरकारी अस्पताल के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान सीएमओ ने अस्पताल में हाजिरी रजिस्टर को चेक किया। वहीं बता दें कि सीएमओ ने सरकारी अस्पताल के अंदर साफ सफाई नहीं मिलने पर कर्मचारियों को लताड़ा भी। इसी दौरान महेंद्रगढ़ के सरकारी अस्पताल में सीएमओ रमेश चंद्र आर्य को काफी खामियां नजर आई। डॉक्टर साहब, आज आपने निरीक्षण किया हॉस्पिटल का, इसमें किस तरह की खामियां पाई गई? जैसे आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि सरकार के जो दिशा निर्देश हैं, सबसे पहले पंचुअलिटी हमारे साथ स्टाफ की होनी चाहिए। और देखा कि लगभग जो है मोर देन 95% स्टाफ जो था इन टाइम था यहाँ पे। जो बाकी लोग जो देरी से आए हैं उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल की जाएगी। दूसरा है, हमारे सभी हॉस्पिटल के अंदर ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है, तो जो लोग ड्रेस कोड में नहीं है उनको भी आज जो है SMO इंचार्ज को आदेश दे दिए गए कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें और उनको सख्त चेतावनी दें। कल से सभी लोग ड्रेस कोड में उपलब्ध रहेंगे संस्था के अंदर। और बाकी देखा है कहीं साफ सफाई की व्यवस्था कम मिली, कई जगह पर जो वाशरूम वगैरह बंद मिले, तो उनको भी जो है जो हमारे इंचार्ज हैं यहाँ के उनको निर्देश दे दिए गए कि उनको तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करें और मेरे पास एक्शन टेकन रिपोर्ट भिजवाएं। सर, कूड़ा आपके देखते हुए भी कूड़ा भरा हुआ था उसके अंदर, उसके बावजूद भी वो खाली नहीं कर पाए? नहीं, डेफिनेटली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तभी आपने मैंने देखा भी होगा राउंड के टाइम भी मैंने कितनी शक्ति से पेश आया इन लोगों के साथ। और अभी जो इंचार्ज महोदय हैं यहाँ के, वो भी उनके पूरी शक्ति से इसके उनके ऊपर एक्शन भी लेंगे। डेफिनेटली जो है इनकी एक्सप्लेनेशन कॉल करने के भी आदेश दिए गए और जो कार्रवाई भी बनेगी वो भी कार्रवाई भी करेंगे। कमियाँ आई यहाँ पर दवाइयों की, डेफिनेटली हो सकता है कि कुछ दवाइयाँ जो है समय समय पर ख़त्म हो जाती हैं, उनकी आपूर्ति करने में समय लगता है और वो भी इसको बहुत ही सीरियसली लिया गया है। और यहाँ के इंचार्ज को आदेश दिए गए जो भी समय पर जो है अपनी ये जो फार्मेसिस्ट हैं उनसे डिमांड लें, और अगर नहीं यहाँ पर उपलब्ध हो पा रही हैं जो सेंट्रल स्टोर से, सेंट्रल स्टोर से अगर मिल रही हैं तो वहाँ से इंटेंट करें, जो नहीं अवेलेबल हैं उनको स्वयं परचेज करें। इस प्रकार से इमरजेंसी केस आते हैं तो उसमें भी थोड़ी सी लापरवाही देखने को मिलती है अखबार अक्सर, और दवाइयों को भी अभाव करते हैं। नहीं देखो, मरीज़ की सेवा करना, मरीज़ को अटेंड करना, मरीज़ की जो बीमारी है उसका इलाज करना हमारा प्राइमरी दायित्व है। और डॉक्टर्स को भी मैंने यही जो है पूरे राउंड के वक्त जो भी डॉक्टर या जो भी स्टाफ मिला है उसको इसी तरह के जैसे जिस भाषा में आप कह रहे हैं डेफिनेटली